अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बरियाल तबक। आज मैं आपके साथ में बहुत अच्छी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है मखमली चिकन, और बहुत अच्छी बनी है, बहुत ही लजीज बनी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और देखिए, बना के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। और चलिए हम लोग मिल के बनाते हैं। और ये ढाबा स्टाइल मखमली चिकन है, आप लोगों ने खाया होगा। और देखिए घर में बना के देखिए, एकदम सेम ढाबा स्टाइल बनेगी मखमली चिकन। देखिए पैन ले लिया, इसके अंदर डाली मैं सूखी वाली अखी धनिया, फिर इसके अंदर डालूंगी मैं बड़ी वाली लाल मिर्च सूखी दो से तीन, फिर उसके बाद में फिर इसमें डालूंगी काली मिर्च, फिर इसमें डालेंगे जीरा, और ये सबको भून के अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और रोस्ट करने के बाद में फिर इसमें डाल देंगे हम जीरा जाएगा, और अच्छे से भूनना है इसे। भून के बाद में इसको मैं ज़रा सा पीस लूँगी, एक छोटे से पैन में लेके पहले इनको भून लें, और खुशबू आने लगे तो इसे गैस को बंद कर देंगे और इसे पीस लेंगे। क्या अब इसको मैं हटा दूंगी गैस को, इसको गैस पर से हटा दूंगी इसको। और ठंडा कढ़ाई में तेल ले लिया, फिर इसमें डाल दूंगी थोड़ा बटर फ्लेवर के लिए, और काफ़ी अच्छा फ्लेवर होएगा। उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ये एक प्याज पिसा हुआ, और इसको पका लेना है। इसमें मैं इलायची डालना भूल गई, और ये दो इलायची हैं ये भी स्टार्टिंग में डालना था, भूल गए हैं, तो इसके लिए इसमें डाल दे रही हूँ। देखिए अब प्याज इसका पकने लगा है, और इसको ज़्यादा काला नहीं किया है, और हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है, ज़्यादा नहीं पकाना है नहीं तो जल जाएगा। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये चिकन, हाफ के जी चिकन है इसके अंदर। ये चिकन को सब अच्छे से इसको पकाएंगे, जैसे कि इसका पानी जल जाए और थोड़ी सी फ्राई जैसी हो जाए, पानी सारा इसका छूट जाए। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी नमक टेस्ट के हिसाब से, हाफ टी स्पून डाल दिया मैंने। फिर इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट एक बड़ा चम्मच, पूरा भर के नहीं डाला है, थोड़ा सा खाली रखा है, और फिर इसे चलाऊंगी। फिर इसमें मैंने ये जो गरम मसाला जो पीसा था भून के, वो इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और इसे मिक्स कर डालेंगे अच्छे से। फिर इसमें ऐड कर देंगे दही, और दही डाल देंगे इसमें। पकाएंगे इसको, अभी देखिए इसको खूब अच्छे से भून लेंगे। एकदम इसमें तेल अलग हो गया है, मसाला पूरा भुन गया है हमारा। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा पानी, एक कप के जितना,
और इसको पका लूंगी चिकन जिसमें अच्छे से पक जाए। एक 10 मिनट के लिए मैं इसी तरीके से इसको मीडियम स्लो पे रख दूंगी। अब ये देखिए चिकन गल भी गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा क्रीम, फ्रेश क्रीम, फिर ऐड करूंगी इसमें कसूरी मेथी, कसूरी मेथी जाएगी, अब इसमें जबरदस्त सा ट्विस्ट आ रहा है, क्या करने वाले हैं। अब मैं अभी एक पैन ले लूंगी, पैन में डालूंगी बटर, थोड़ा बटर में थोड़ा सा जीरा डालूंगी हल्का सा, फिर उसमें डाल दूंगी मैं ये शिमला मिर्च, टपक है उसमें शिमला मिर्च ऐड कर दूंगी, इसको थोड़ा सॉटे करूंगी, थोड़ा सा इसमें डालूंगी ये हरी मिर्च, टमाटर, और इसे थोड़ा मक्के में इसी तरीके से सॉटे करूंगी। फिर इसी में ये अदरक ऐड कर दूंगी, इसको थोड़ा सा इसी तरीके से थोड़ा सा पकाएंगे फास्ट गैस पे, जैसे कि ग्रिल हो जाए अच्छे से, बटर में है और इसके जो टेस्ट है वो बदल जाएगा एकदम फ्राई करने से। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ग्रेवी बनी है, और ट्राई कीजिए, बनाइए इस रेसिपी को। अब मैं ये कढ़ाई को ये साइड में ले आऊँगी और इसको इसमें ऐड कर दूँगी। देखिए तैयार है चिकन हमारी। इसको 2-3 मिनट के लिए खाली मैं ऐसी तरीके से गैस को थोड़ा सा स्लो पे छोड़ के और गैस बंद कर दूंगी, हो जाएगा। इसमें शिमला मिर्च पूरे अच्छे से पक जाए, कच्चे नहीं रहे। चलिए फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़ अगली रेसिपी के साथ।